चलो शैल वी स्टार्ट क्लबिंग ऑफ इनकम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्लबिंग के प्रावधान सबको ही क्लियर है. पहला सवाल आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा. ठीक है, फटाफट सही जवाब देना. राज ट्रांसफर्ड 2000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू मिस सिमरन विदाउट कंसिडरेशन. लेटर राज एंड मिस सिमरन गॉट मैरिड टू ईच अदर. ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध. The dividend income from the shares transferred would be A. taxable in the hands of Raj both before and after marriage, taxable in the hands of Raj before marriage but not after marriage, C. taxable in the hands of Raj after marriage but not before marriage, and never taxable in the hands of Raj. ओके, कैन यू फर्स्ट लोकेट द सेक्शन नंबर. पकड़ पकड़ के पीटूंगा, गलत जवाब दिया तो. मैं पूछ रहा हूं क्लबिंग का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है. क्लबिंग का 64. ओके, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए कौन से सेक्शन है. 64 वाले सेक्शन है. कौन सा क्लॉज है. 64(1) क्लॉज 2 रेम्युनरेशन के लिए है. क्लॉज 4 इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस. ऐसा देखो सेक्शन नंबर पहले लोकेट करने को आना चाहिए. ठीक है, सो एकदम अपन ने सेक्शन नंबर वाइज डिस्कशन किया है. 64(1)(4) में क्या होता है. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप शैल एग्जिस्ट ऑन 2 डेट्स. पहला डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट. द क्वेश्चन इटसेल्फ स्पीक्स दैट सिमरन को ट्रांसफर किया 2000 शेयर्स टू मिस सिमरन. लेटर दे गॉट मैरिड. यानी जब एसेट ट्रांसफर किया था तो वॉज देयर एनी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. तो क्लबिंग के प्रावधान एप्लीकेबल है या नहीं. दिस इज हाउ यू शुड लुक इट. ठीक है, आप सोच रहे डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है एग्जम्प्ट है, वो बात की बात है. बट डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है एग्जम्प्ट है. पहले ये तो सोचो ट्रांसफर कब हुआ है. शादी से पहले या शादी के बाद. शादी से पहले एसेट ट्रांसफर हुई है जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था. इफ देयर वाज नो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देन क्लबिंग के प्रावधान एप्लीकेबल. ठीक है, तो ये इनकम राज के फाइल में कभी भी क्लब होने वाला नहीं है. ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन डी को लॉक किया जाए. बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, आई अब समझ पे आ गया. तो देखो मित्रों डायरेक्टली डोंट जंप ऑन द ऑप्शंस. फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन आइडेंटिफाई द एप्लीकेबल सेक्शन एंड देन गिव द आंसर. ठीक है, ये मिस्टेक एग्जामिनेशन में होती है. बच्चे डायरेक्टली एमसीक्यू ऑप्शन देखता है और आंसर ढूंढने की कोशिश करता है. पहला क्वेश्चन समझने का, ऑप्शन कभी भी जल्दबाजी नहीं करने का, ऑप्शन देखने का, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सही जवाब देना. गोलू है चार्टर्ड अकाउंटेंट. हाँ पूछिए. एक मिनट. Let us move ahead. Agla, Mr. Golu, a chartered accountant, is working as accounts officer in Raj Private Limited on a salary of ₹20,000 per month. He got married to Miss Ria, who holds 25% shares of this company. What will be the impact of salary paid to Golu by the company in the hands of Miss Ria? Question samjhaya? Read karo pehle, aram se. ओके, अब आप मुझे बताएंगे एप्लीकेबल सेक्शन कौन सा है. 64(1)(2) रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस इन विच द टैक्स पेयर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. यहां पे हु इज द स्पाउस जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. मिस रिया का कितना परसेंट स्टेक है. यानी 20% से ज्यादा है. वेरी गुड. अब उनके हस्बैंड कौन है. गोलू. उनके हस्बैंड गोलू द चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अब ये गोलू द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी क्वालिफिकेशन और ही हैज एडिक्वेट क्वालिफिकेशन. तो एडिक्वेट क्वालिफिकेशन तो 64(1)(2) एप्लीकेबल होता है या नहीं मित्रों. 64(1)(2) कभी भी एप्लीकेबल होता नहीं है. ठीक है, सो अब आप आंसर दीजिएगा. सेक्शन तो आपने सही आइडेंटिफाई किया. चार ऑप्शन आपके सामने है. ठीक है, ऑप्शन ए 100% सैलरी इज टू बी क्लब. 50% salary is not to be 50% salary is to be clubbed. No amount is to be clubbed and 25% salary is to be clubbed. No amount is to be clubbed.
ओके, कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक नाउ, समझ गए आप कैसे टैकल करना है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। मिस्टर अथर्व गिफ्टेड अ लेट आउट बिल्डिंग विच फेचेस रेंटल इनकम ऑफ रुपीज 10,500 पर मंथ टू हिज सन्स वाइफ ऑन 1/11/17। The municipal tax is rupees 6,000 on the property has been paid on 10th of January 2019. The total income from all other sources computed amounts to 2,60,000 except income from the above said property. His total income chargeable to taxes. Total income पूछा है उनका, which is chargeable to tax. चार ऑप्शन है, 3,11,450, 3,44,000, 3,80,000, 3,33,500. Your time starts now. क्वेश्चन रीड करना, आइडेंटिफाई द सेक्शन, देन गो फॉर कैलकुलेशंस। So, मित्रों कौन सा जवाब सही है? 3,44,000 ऑप्शन बी। ओके, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द सेक्शन? कौन सा सेक्शन है? 64(1)(6) इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ वाला। यहां पे हु इज द ससुर? मिस्टर अदरवाइज द ससुर। उन्होंने क्या गिफ्ट किया? गिफ्ट किया यानी विदाउट कंसिडरेशन। क्या ट्रांसफर किया? बिल्डिंग ट्रांसफर किया। ठीक है, गिफ्टेड अ लेट आउट बिल्डिंग विच टू हिज सन्स वाइफ। ठीक है, यानी अथर्व के बेटे के वाइफ को अथर्व ने बिल्डिंग गिफ्ट किया, जो बिल्डिंग रेंट पे दिया गया था, जिसका रेंटल इनकम 10,500। अब किसको मिल रहा है? अथर्व को मिलेगा या रेंटल इनकम, या उसके बहू को मिलेगा? अथर्व के बहू को 10,500 रुपया मिलेगा। अब अथर्व के बहू को 10,500 रुपया हर महीने जो मिला है, क्या वो बहू के फाइल में टैक्स होगा या अथर्व के फाइल में? अधूरों के फाइल में इनकम क्लब करते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे उस इनकम को? अप्लीकेबल हेड के मुताबिक जो जो डिडक्शन है सब माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आई वो क्लब होती है। ठीक है, द इनकम टू बी क्लब डेज नेट इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन। तो रेंटल इनकम के लिए किसके प्रावधान अप्लीकेबल है? किस हेड के? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी से शुरुआत करोगे तो 10,500 पर मंथ रेंट है। उठाइए अपना कैलकुलेटर, 10,500 इंटू 12 मंथ कीजिए, 1,26,000 आएगा, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का डिडक्शन मिलता है। ओके, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया? 6,000 माइनस हुआ, एनएवी आया, लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो एनएवी में से, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, ये आ गया नेट इनकम। कितना आ गया? 84,000 आ गया, प्लस अथर्व का खुद का इनकम था 2,60,000। ओके, तो अथर्व का 84,000 पहले तो अथर्व की फाइल में क्लब होगा, प्लस अथर्व का खुद का इनकम 2,60,000 है, तो अथर्व का टोटल इनकम कितना हो गया? 3,44,000। सो यही पूछा था, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अथर्व? सही जवाब 3,44,000। आई होप समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लेके आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हैरी पॉटर जिसकी एज 12 years है, a child artist acted in a feature film and earned rupees 3,50,000. The total income of Harry Potter, his चाहिए था शायद, the total income of his father is rupees 5,20,000 and mother is 4,80,000. The minus income would be chargeable in the hands of father, would be chargeable in the hands of mother, would be chargeable to tax in his own hands and fully exempt from tax. सेक्शन 64(1)(a) क्या कहता है? वेरी गुड। इफ द इनकम इज अर्न आउट ऑफ हिज स्किल्स और टैलेंट देन इट शैल नॉट बी क्लब, इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड इटसेल्फ, यानी माइनर चाइल्ड में। यानी आपके मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही है? कंप्यूटर जी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। आई होप सबको समझ में आ गया है। कंप्यूटर जी नाउ पीपल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे लाया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
आपके स्क्रीन पे, प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लबिंग ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स आर कंटेन्ड इन डैश डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 19। चलो दैट्स ग्रेट, सेक्शन 60 सही जवाब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी एसेट टू हिज ऑब्लिक हर स्पाउस द इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ए ट्रांसफरर बी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ट्रांसफरर। क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब दे रहे हो, अच्छा प्रिपरेशन हुआ है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम फ्रॉम एसेट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ ट्रांसफरर। किन केसेस में ट्रांसफररी को जो इनकम मिला है वो ट्रांसफरर का माना जाएगा? इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ बिफोर मैरिज। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड बाय हस्बैंड टू वाइफ आफ्टर मैरिज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर्ड बाय हस्बैंड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। वाओ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज का भी डिसोल्यूशन होता है, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। एप्लीकेबल सेक्शन 64.14 आपने अगर आपके स्पाउस को असेट ट्रांसफर किया तो उसके ऊपर का इनकम क्लब होता है 64.14 की। देन क्या कहता है? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप शैल एग्जिस्ट। असेट कब ट्रांसफर करनी चाहिए, मैरिज के पहले या मैरिज के बाद? असेट ट्रांसफर करनी चाहिए मैरिज के बाद। इनकम भी डिराइव होनी चाहिए मैरिज के, तो ही क्लबिंग होता है। तो पहले केस में उन्होंने किया है मैरिज से पहले तो गया। दूसरा, ठीक है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर होना चाहिए, तो बी भी गया। सी, डिसोल्यूशन यानी इफ द एसेट इज ट्रांसफर्ड अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, डिवोर्स वाला केस है तो क्लबिंग होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब, नन ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अंकुर ट्रांसफर्ड ए हाउस टू पद्मा ऑन 1st of April 2015। पद्मा मैरिड टू गोपाल हु इज सन ऑफ अंकुर ऑन 1st of April 2018। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। आराम से गोलमाल कर दोगे, डिसाइड कर लिया कौन सा प्रोविजन है? एप्लीकेबल सेक्शन 64.16। सन्स वाइफ वाला केस है क्या? अंकुर ट्रांसफर्ड हाउस टू पद्मा ऑन 1/4/15। पद्मा मैरिड गोपाल हु इज सन ऑफ अंकुर, तो अंकुर का बेटा है गोपाल और गोपाल की है वाइफ पद्मा। So, ये पद्मा अंकुर की कौन बन गई? सन्स वाइफ, बहू। ओके, बहुबली नहीं, बहू है भाई साहब। ओके, सो बहू को असेट ट्रांसफर किया विदाउट एनी कंसिडरेशन, इनकम किसके फाइल में टैक्स होगा? पद्मा के फाइल में है, अंकुर के या गोपाल के? वेरी गुड, ठीक है। अपन ने पढ़ा था 64.16 में कि सास ससुर बहू रिलेशनशिप शैल एग्जिस्ट on two dates, transfer of asset and accrual of income. यहाँ पे बहू बनने से पहले asset transfer किया है, तो income किसके file में tax होगा? पद्मा। कंप्यूटर जी बी पद्मा, बिल्कुल सही जवाब, पद्मा को लॉक किया है। ओके, अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने, सही जवाब देना। मिसेस आर्या स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of April 2017 बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 2,25,000। हर हस्बैंड गिफ्टेड रुपीज 1,50,000 ऑन 10th of May 2017 विच मिसेस आर्या इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑन द सेम डेट। शी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 1,12,500 एंड रुपीज 2,92,500 फॉर प्रीवियस ईयर 17, 18 एंड 18, 19 रेस्पेक्टिवली।
हाउ मच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अ हस्बैंड फॉर एवाई 1920. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम टू आंसर. हेल्प चाहिए? नहीं. आ गया आपका आंसर? शैल वी स्टार्ट विद द डिस्कशन? चलो चेक कर लेते हैं आपका आंसर. कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी 2,92,500. ओके कंप्यूटर जी, 2,92,500 को लॉक करना है. ओके कौन सा वाला केस है पहले ये तो बताओ, प्रोविजन कौन सा है, टू विच सेक्शन डज इट बिलोंग? सेक्शन 64, 1, 4. वेरी गुड. देखो पहले तो अब आर्यर जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आर्यर जी ने बिजनेस सिर्फ खुद के पैसों से स्टार्ट किया या हस्बैंड से भी कुछ पैसे लिए? तो कैपिटल एक का है या दोनों का कैपिटल इन्वॉल्व है? तो आर्या जी का, मिसेस आर्या का और उनके हस्बैंड मिस्टर आर्यन, ठीक है जो भी है. अब मिसेस आर्या का कितना कैपिटल इन्वॉल्व है इसमें? 2,25,000. और मिस्टर का कितना कैपिटल इन्वॉल्व है? 1,50,000. तो टोटल कैपिटल कितना हो गया बिजनेस का? 3,75,000. ये बिजनेस का टोटल कैपिटल हो गया. अब ये कैपिटल के ऊपर फर्स्ट ईयर में कुछ इनकम कमाया है, कितना इनकम कमाया फर्स्ट ईयर में? 1,12,000. इसका आपने को कुछ पूछा है या सेकेंड ईयर का? तो सेकेंड ईयर में कितना इनकम कमाया? 2,92,500. तो ये जो इनकम है ये पूरा का पूरा क्लब होगा क्या फर्स्ट थिंग, या प्रोपोर्शनेट क्लब होगा? क्योंकि सिर्फ हस्बैंड का कैपिटल था या दोनों का कैपिटल था? तो इनकम क्लब होते वक्त प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. आपने तो पूरा ही क्लब कर दिया. तो 2,92,500 इज नॉट द करेक्ट आंसर फर्स्ट थिंग. बी कितना? 1,17,000. ओके कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, देख लो. यानी हस्बैंड के फाइल में कितना इनकम टैक्स होगा ये बताना है. बी 1,17,000. ओके कितना आंसर है? 1,17,000. आप लोगों का पक्का पूरे कैलकुलेशन किए? कंप्यूटर जी, जनता बोल रही है ऑप्शन बी ना, 1,17,000. देख लो कौन सा ऑप्शन सही है. ओ माय गॉड, ये तो आपका आंसर गलत आ गया. कैसे हुआ ऐसे? अब एक चीज, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने. कहाँ? आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, चिंता मत कीजिएगा, हम हैं आपके साथ. आपको बता देते हैं सही जवाब क्या है. सब लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, कैलकुलेशन देख लेना कैसे होता है. हाँ अब देखो आंसर कैसे निकालना है, ध्यान देके सुनना सब लोग, ठीक है. अब मिसेस आर्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. मिसेस आर्या ने कितना कैपिटल लगाया था? 2,25,000. कैपिटल इन्वेस्टमेंट था
2,25,000 और मिस्टर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,50,000. दोनों का मिला के कैपिटल कितना हो गया? 3,75,000. अब ये बिजनेस उन्होंने किस ईयर में स्टार्ट किया था, फटाफट बताने का. 17-18 में स्टार्ट किया था, तो 17-18 का प्रॉफिट मिला होगा या नहीं मिला होगा? मिला होगा ना, दिया है क्वेश्चन में 17-18 का प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है बता बता प्रॉफिट. 17-18 का प्रॉफिट का अमाउंट था 1,12,500, 1,12,500. अगर आपको याद है अकाउंट्स थोड़ा बहुत, तो प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल. प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए, जब 18-19 में आप क्लबिंग के प्रावधान अप्लाई करोगे, तो 18-19 का ओपनिंग कैपिटल टोटल कितना हुआ होगा? 3,75,000 प्लस 1,12,500, टोटल कैपिटल कितना हो गया? 4,87,000. ये टोटल कैपिटल हुआ होगा, हाँ या ना? अब इसमें से मिसेस आर्या का कितना और मिस्टर आर्या का कितना है? मिस्टर आर्या का कैपिटल विल रिमेन सेम, उसमें चेंज सर क्यों नहीं चेंज होगा? पिछले साल का इनकम तो प्रोपोर्शनेटली क्लब हुआ होगा, हाँ या ना? ओके, सो इसमें से यानी 1,12,500 पिछले साल क्लब होते वक्त 225:150 के रेशो में क्लब हुआ होगा. किस रेशो में? 225:1. उनके कैपिटल के रेशो में क्लबिंग होता है ना, बराबर. यानी 225:150 का प्रोपोर्शन मिसेज आर्या और मिस्टर आर्या की फाइल में क्लब हुआ होगा, बराबर. अरे बोलो, अब नेक्स्ट ईयर में भले ही कुछ अमाउंट से एक्स वाई जेड अमाउंट क्लब हुई होगी, तो भी क्लब होने के बाद वो कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड. 18-19 में क्लब होते वक्त, 18-19 में प्रॉफिट क्लब होते वक्त ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर कहीं प्रोपोर्शन माना जाएगा. क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट अगर कैपिटल में ऐड करते हो और वो ऐड करने के बाद 18-19 का प्रॉफिट का प्रोपोर्शन निकालते हो, तो क्या होगा? इनकम ऑन इनकम क्लब होगा. हमने ये प्रावधान पढ़े थे, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब. क्या नहीं क्लब होगा? इनकम के ऊपर का इनकम. क्लब होता तो सिर्फ क्लब होते वक्त ओरिजिनल कैपिटल के ऊपर कहीं इनकम क्लब होगा. क्लब होते हो किसके ऊपर का इनकम क्लब होगा? ओरिजिनल कैपिटल. तो अब मिस्टर आर्या ने ओरिजिनल कैपिटल कितना लाया था? मिस्टर ने आर्या के मिस्टर ने ओरिजिनल कैपिटल कितना लाया था? 1,00,000. तो एंड तक जो प्रॉफिट क्लब होगा वो सिर्फ 1,50,000 के ऊपर का ही प्रॉफिट क्लब होगा. प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट क्लब होता नहीं है. ये बात क्लियर है? अब देखो, ध्यान देके सुनना. तो अब सेकेंड ईयर में जो कैपिटल की अमाउंट हुई, 4,87,500 कितनी कैपिटल की अमाउंट हुई? 4,87,500. उसमें से मिस्टर का कैपिटल कितना माना जाएगा? मिस्टर का कैपिटल 1,50,000 और बैलेंस कैपिटल जो है वो मिसेस का माना जाएगा. बैलेंस कैपिटल मिसेस का कितना होगा? 3,37,500. अब इस ईयर का प्रॉफिट देखो कितना है. उस ईयर का प्रॉफिट कितना है? उस ईयर का प्रॉफिट था 2,92,500. अब ये 2,92,500 इस रेशो में क्लब होने वाला है. रेशो है, पूरा ही रेशो लो, सिर्फ आखिरी दो जीरोस गायब करो, ठीक है. रेशो इज 3,375:1,500. रेशो की टोटल बता सकते हो आप हमें? ठीक है, सो 2,92,500 में से आर्या के फाइल में टैक्स होगा. रेशो का टोटल है 4,875 × 3,375. तो आर्या जी के फाइल में कितना टैक्स होगा? करो ना, कैलकुलेट करो फटाफट. 2,92,500 × 3,375 / 4,875 2,02,500. और मिस्टर के फाइल में कितना टैक्स होगा? अब बैलेंस निकालो, 90,000 आ रहा है. 90,000 आ गया. सबको समझा? नोट करना है या कर लिया है? करना है तो कर सकते हो. क्वेश्चन भी चाहिए? कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया. देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब देना. नाउ मिस्टर जोशी हैज 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं, 2 डॉटर्स एंड 2 सन.
एनुअल इनकम ऑफ डॉटर्स 9,000 and 4,500 एंड ऑफ सन्स 6,200 and 4,300 रेस्पेक्टिवली. वन डॉटर हैविंग इनकम ऑफ ₹4,500 इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U. हाउ मच इनकम ऑफ चिल्ड्रन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जोशी. कितना इनकम मिस्टर जोशी के हैंड्स में क्लब होगा? ऑप्शन ए 19,500, ऑप्शन बी 18,000, ऑप्शन सी 15,000 एंड ऑप्शन डी ₹14,500. कौन सा एप्लीकेबल सेक्शन है? वेरी गुड, चलो एकदम सेक्शन नंबर के साथ बता रहे हो, सही है, सही जा रहे हो, आराम से कैलकुलेट करना, कोई जल्दबाजी नहीं है. 1.5 मिनट से पहले आंसर निकालने के बाद इंस्टीट्यूट कोई भी अपने को अवार्ड नहीं देने वाली है. टेक योर टाइम, अपने को जितना स्पेसिफाइड कैलकुलेटेड टाइम है अपना, उस टाइम में ही अपने को आंसर देना है. ऑप्शन ए, कुछ लोग ऑप्शन ए है 19,500. कोई और कोई आंसर देना चाहता है? कुछ लोग बी 18,000 बोल रहे, कुछ लोग सी 15,000 बोल रहे. सी 15,000. ओके देवी जी, कौन सा आंसर है आपका? ए है. ओके, अब सबसे पहले स्टैंडर्ड अजम्पशन ये करना पड़ेगा, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये माइनर है या नहीं, लेकिन ऑप्शन को देख के तो लगता नहीं है कि कोई माइनर नहीं है, सारे के सारे माइनर ही है, स्टैंडर्ड अजम्पशन. ठीक है, फर्स्ट थिंग तो कुछ नहीं ना, अपने पास चार ऑप्शन के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर वी कैन से दैट यस, बट डोंट अज्यूम दैट, गो स्टिक टू द प्रोविजंस, अज्यूम दैट ऑल आर माइनर्स. ठीक है, समझो माइनर है, चारों के चारों माइनर है. माइनर के केस में हमने क्या पढ़ा था? इफ अ माइनर इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज देन उसका इनकम क्लब करना है या नहीं. इसमें से कौन सा माइनर डिसेबल है? 4,500, वो छोड़ दो, 4,500 वाला काट दिया, बचे कितने? 9,000, 6,200 and 4,300 और सबके लिए 1,500 का एग्जम्पशन है, 1,500. उसके बाद कितना बचा? 7,500, then 6,200 minus 1,500, कितना कितना बचा? 4,000, और उसके बाद 4,500 minus 1,500 कितना बचा? 4,300 minus 1,500 2,800. ठीक है, so exemption is given under which section? Exemption is under section 10, subsection 30. ओके, सो व्हाट इज द टोटल, कैन यू टेल मी द टोटल? 15,000 आ रही है. कंप्यूटर से ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब. आइए, अब सबको समझ में आ गया. चलो देखो कितने छोटे छोटे प्रोविजंस याद रखने पड़ते हैं. ठीक है, चलो माइनर के बारे में अपना आज ही डिस्कशन हुआ था, ठीक है, शायद सबको समझ में आ गया है. अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 प्रस्तुत किया जाए. कशिश गिव्स रुपीज 5 लाख टू हिज वाइफ and his wife gives the same to her son's wife. किसने कल मुझे क्वेरी पूछा था? टेंडुलकर देवी ने ही पूछा था ये. ठीक है, सो इफ सन्स वाइफ रिसीव्स रुपीज 50,000 इनकम, देन इन हूज हैंड्स 50,000 विल बी टैक्सेबल. क्वेश्चन आराम से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके, यहां पे दो वाइफ है तो संभाल के आंसर देना. कशिश जी, ससुर जी आंसर दे सकते हो? कन्फ्यूजन हो रहा है किसके बीच में कि वाइफ कौन है. देखो पहले किसने किसको गिफ्ट दिया? कशिश ने, मिस्टर के ने अपनी वाइफ मिसेस के को, और मिसेस के ने ये 5 लाख रुपया किसको पास किए? सन्स वाइफ, इनके बहू को, बहू बहू को ये गिफ्ट दिया. बहू ने इसके ऊपर क्या कमाया? इनकम. ये इनकम कितना कमाया? 50,000. तो इसके लिए कौन सा एप्लीकेबल? अभी पूरा तो मैंने आपको डिटेल चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बताइए क्या करें. देखो एग्जामिनेशन में ये सारी हरकतें कर दीजिए आप, ठीक है, यानी अगर कन्फ्यूजन होता ना तो प्लॉट करने का ऐसा, किसने किसको दिया, इसने इसको दिया, इतना, तो फिर यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. सिर्फ रीड करते रहेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा प्लॉट करने का, ठीक है, और फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करने का और बताने का क्या आंसर आने का. चार ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन पहले
डिसाइड तो आपको यही करना है किसके फाइल में क्लब होगा, पहले तो होगा भी या नहीं होगा, यस क्यों, एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है, तो जो बहू को इनकम मिला है दैट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, ऐसे हमने पढ़ा था बराबर, तो ट्रांसफरर यानी कौन है, मिसेस कशिश, लेकिन मिसेस कशिश को भी ये पैसा खुद के जेब से दिया है क्या या उन्होंने हस्बैंड से लिया है, तो क्या हस्बैंड के फाइल में टैक्स होगा क्या, दैट इज अ क्वेश्चन, हाँ, तो आपका आंसर मिस्टर कशिश है या मिसेस कशिश, ओके मिस्टर कशिश ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हिज वाइफ है, ऑप्शन सी उनका बेटा सन है, सॉरी सो हिज वाइफ सन्स वाइफ और सन ऑफ कशिश, ओके ऑप्शन बी हिज वाइफ, ऑप्शन ए मिस्टर कशिश, कंप्यूटर जी ए या बी दोनों में से किसी एक को लॉक किया जाए, ए को, कंप्यूटर जी ए को लॉक किया जाए, सही जवाब, ठीक है क्यों, यस एग्जैक्टली, पहले अगर वाइफ के फाइल में क्लब करेंगे तो ये फिर से वाइफ के फाइल से किसके फाइल में क्लब होगा, कशिश, क्यों, यहां पे दो सेक्शन एप्लीकेबल है, पहला 6416 और बाद में 6414, ठीक है, पहला सन्स वाइफ का इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस कशिश एंड मिसेस कशिश का इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कशिश, तो सही जवाब है मिस्टर कशिश, क्या हम आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो फाइन, सो वाई ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर लैंड टू जेड विद अ कंडीशन दैट 60% ऑफ द इनकम फ्रॉम लैंड शुड बी हैंडेड ओवर टू हिम, जेड अर्न रुपीज 1 lakh फ्रॉम सच एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशंस, ठीक है, रुपीज 1 lakh इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जेड, रुपीज 1 lakh इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाई एज इट इज रिवोकेबल ट्रांसफर, रुपीज 60,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाई एंड 40,000 इन द हैंड्स ऑफ जेड, नथिंग इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ वाई और जेड, एप्लीकेबल सेक्शन एग्रीकल्चर लैंड है छोड़ दो, एप्लीकेबल सेक्शन बताओ कौन सा है, एप्लीकेबल सेक्शन, एप्लीकेबल सेक्शन 60 या 61 है, रिवोकेबल ट्रांसफर, राइट टू टेक बैक असेट और राइट टू टेक बैक इनकम फ्रॉम असेट, डेफिनेशन भूलो मत, क्या यहां पे मिस्टर वाई ने असेट ट्रांसफर करते वक्त अपने पास अधिकार रखा है 60% इनकम रिसीव करने का, यानी ये ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर है, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, डेफिनेशन सेटिस्फाई किया या नहीं, ओके सो 60 रिवोकेबल ट्रांसफर किस में आता है, सेक्शन 60 या 61 में, 61, तो रिवोकेबल ट्रांसफर होगी तो इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, पूरा होगा या जितना रिवोकेशन का राइट है उतना, क्या डिस्कस किया था, रिवोकेबल ट्रांसफर है तो इनकम शैल बी क्लब्ड पूरा या प्रोपोर्शनेट, पूरा होना चाहिए, यानी आपके मुताबिक कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी, रुपीज 1 lakh इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जेड, रुपीज 1 lakh इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ वाई, ठीक है, तो पहला या दूसरा, ए या बी, या सी या डी, बी, कंप्यूटर जी ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, ठीक है, याद रखना पूरा का पूरा इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, ऐसे हमने 61 में स्पेसिफिकली डिस्कस किया, बस रिवोकेबल ट्रांसफर है ना, देन एंटायर इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, और हमने 63 में रिवोकेबल ट्रांसफर का भी डिस्कशन किया है, इफ द असेसी हैज द राइट टू टेक बैक द ओनरशिप और ही हैज द राइट टू टेक बैक द इनकम, दोनों में से कोई एक राइट अगर उसके पास है तो रिवोकेबल ट्रांसफर बनेगा, रिवोकेबल ट्रांसफर बनता है तो इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप तो कहोगे एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्शन, तो व्हाई टू क्लब इट, ठीक है, एग्जम्प्ट भी होगा तो भी एग्रीगेशन होता है ना, एग्रीगेशन की वजह से टैक्स बढ़ता है ना, तो क्लब करेंगे या नहीं करेंगे, यस बिल्कुल क्लब करेंगे, समझे, ओके चलो, सो अब मित्रों याद रखना है क्वेश्चन में कोई भी एग्जम्प्ट इनकम भी दिया होगा ना तो भी उसको क्लब करो और क्लब करने के बाद एग्जम्प्शन ले लेना, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, राज गिफ्टेड रुपीज 20 lakh टू हिज वाइफ, राज मुझे पीटने वाला आज लेक्चर होने के बाद, आज मैक्सिमम एग्जाम्पल राज पे ही है, राज गिफ्टेड रुपीज 20 lakh टू हिज वाइफ ऑन 1st of April 2013 विच शी इन्वेस्टेड एज कैपिटल इन पार्टनरशिप फर्म,
She received interest every year and her capital balance on 1/4/18 was rupees 30 lakh. During the year ended 2018-19, she earned interest of 2,50,000 on her capital. The income to be clubbed in the hands of Raj shall be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सही जवाब दोगे ऐसी हम आशा रखते हैं. क्वेश्चन रीड करना, समझ लेना, समझते वक्त नोटबुक लेके उस पर प्लॉट भी कर सकते हो आप फिगर्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सेजल देवी आंसर देना है. ए नील जो 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 पहला दिखा वो बताया है ऐसे ने. ओके इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लेम. ठीक है ए, और 20 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर दे सकते हैं. एक चीज तो अच्छी हो गई है, आप सब लोगों को आदत लग गई है रीड करके आंसर देने की और नॉट जंपिंग एट द आंसर्स, दैट्स गुड. ऑप्शन डी सी. ओके सदाशिव पीठ के जैन मलिक, जैन मलिक जी का आंसर है ऑप्शन सी. पटना के देवी का आंसर है ऑप्शन सी. चालीस गांव की देवी आंसर ही नहीं दे रही है. चालीस गांव से कुछ आंसर आना चाहिए. अमरावती वालों सो गए क्या? आंसर जलगांव, अमरावती, भुसावल, पुणेकर, क्या हो गया? कराड़, सीटें हारने के गम में डूबे हो. हाँ कहीं से भी आंसर नहीं आ रहा है. एक ही आंसर सदाशिव पेट के जैन मलिक ने आंसर दिया है ऑप्शन सी. ओके कोथरूड के दादा आंसर दे रहे. दादा दो जगह फेमस है, एक कोलकाता में और दूसरा कोथरूड में. चलो 1,66,667. देखो आप क्वेश्चन को आराम से समझ रहे हो. ठीक है, राज ने अपने स्पाउस को, वाइफ को कितना रुपया दिया? 20 लाख रुपया दिया. कुछ सालों पहले ने 2013 में दिया. ठीक है, वाइफ को दिया है 20 लाख रुपया. वाइफ ने ये 20 लाख रुपया लेके ने काम किया, इसको बिजनेस में लगाया. क्या करके लगाया? कैपिटल. क्या करके लगाया? अब 2013 से ये कैपिटल ग्रो हो के 2018 तक ये कैपिटल कितना हो चुका है? 30 लाख. अब इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं? ये 30 लाख में 20 लाख रुपया राज के हैं बराबर, और 10 लाख रुपया ये उसके ऊपर का इनकम होगा, लेकिन इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड. तो ये 30 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना मिला है हमें? तो 2,50,000. ये 30 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला है? 2,50,000. अब ये क्या हम कह सकते हैं 30 लाख का इंटरेस्ट 2,50,000 है, तो 20 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट कितना? कह सकते या नहीं? So, ये 30 लाख के लिए आपको इंटरेस्ट 2,50,000 मिला है, तो 20 लाख के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए बताइए? 1,16,667. सही या नहीं? बिल्कुल सही. सो 2,50,000 इज द इंटरेस्ट. ठीक है, ऑन 30 लाख, आउट ऑफ दैट 20 लाख मिस्टर राज के है, तो 20 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट कितना होता है? 1,66,667. इतना इंटरेस्ट क्लब होना चाहिए, ऑप्शन सी. ठीक है, जैन मलिक जी का ऑप्शन सी लॉक किया गया है, बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, हाँ आपने भी दिया था पटना से भी जो आंसर आया था, पटना की देवी से, वो भी सही है. कोथरूड का आंसर भी सही है. ठीक है, बोलिए. शेयर इन प्रॉफिट और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कुछ भी हो सकता है. नहीं नहीं, ये तो देखो उनका ही कैपिटल, हाँ उन्हीं का कैपिटल है, उन्हीं का खुद का कैपिटल है, तो वो 4-5 साल के पीरियड में उनका जो शेयर इन प्रॉफिट होगा, इंट्रोडक्शन कैपिटल सब एक्यूमलेट होके कैपिटल बढ़ के कितना हुआ है? 30 लाख. लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं, मतलब किस चीज से है? इसमें राज का कितना है ओरिजिनल कैपिटल? कितना है? 20 लाख. इनकम ऑन एसेट इज टू बी क्लब्ड, ओरिजिनल एसेट के ऊपर का इनकम ही क्लब करना है. ठीक है, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब. 10 लाख रुपया जो था वो
20 लाख रुपए का के ऊपर का इनकम है, तो 10 लाख रुपए का जो भी कैपिटल एडिशन हुआ है ना 20 में, वो हो सकता है शेयर इन प्रॉफिट हो, ठीक है, वट एवर, बट दैट इनकम इज ऑन असेट। तो वो 10 लाख रुपए के इनकम के ऊपर का इनकम कभी भी क्लब होता नहीं है, ओरिजिनल असेट के ऊपर का इनकम सिर्फ क्लब होता है। समझा क्या? पक्का? चलो, अब दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर एमसीक्यूज ऑन क्लबिंग, ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपके कवर किए, अलग अलग प्रोविजंस के ऊपर के एमसीक्यू कवर किए। आई होप क्लबिंग सबको समझ में आ गया।